Here it goes. हमने डियर चिल्ड्रन लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बेटे 9 A में नहीं होगा, आप चेक करिए, रिसेप्शन पे जाइए, मेरा पीरियड इधर है, मैं दो तरफ थोड़ी हो सकता हूँ बच्चे, एक बार बेटे चेक कर लो, मुझे भी बता के जाना प्लीज, रिसेप्शन पे जाइए एक बार। तो बच्चों देखो, ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट्स बेटा, लास्ट टाइम आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की और आपने एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दोनों आपने कंप्लीट किए, एंड स्पीड ऑफ लाइट वगैरह आपने सारा देखा, समझा, सोचा, परखा। और अब हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है और स्नेल्स लॉ क्या है, दिस इज बेटे द टॉपिक विच वी विल बी कवरिंग टूडे अलॉन्ग विथ फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द मिरर्स एंड ऑल दैट। सो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन वाले तो हमने कर लिए हुए हैं ऑलरेडी, लेट अस कंसेंट्रेट बिटी अपॉन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले समझ लीजिएगा, मैं आपको टाइम दे देता हूं बाद में, आप चिंता मत करना, पहले समझ लो बेटे ध्यान से। अच्छा आवाज कम आ रही है। अब बेटे देखो, हाउ इट इज ऑल ऑल वेल, आवाज आ रही है अब की नहीं बेटा? ओके, प्रभनूर सिंह, राइट राइट राइट। ये बीच में 9th वाले बच्चे भी दिख रहे हैं अभी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बेटे, आइए देखें। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में इमेजिन कर लीजिए, आपके पास एक बाउंड्री है और ये जो बाउंड्री है बेटा आपके दो अलग अलग मीडिया का सेक्शन है, और इन अलग अलग मीडिया जो है आपके, इनको जो आपका बाउंड्री सेपरेट कर रहा है। हाँ जी बेटे, एनी पॉइंट यू वांट टू शेयर? ये आपका बाउंड्री एक्स वाई हो गया बेटा, और दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बेटा वी आर हैविंग विद अस, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बच्चों हो गया। आपने यहाँ पे बेटा एक नॉर्मल ड्रॉ किया, राइट बेटा, और अगर ये एयर एंड इसको आप बेटे वाटर मान लो, तो आपका रे एयर से वाटर में एंटर करेगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। 1 मिनट वेट कर लीजिए प्लीज बेटा। एंगल आई, एंगल आर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल दैट। रिफ्रैक्शन, एल नहीं लिखना, आर लिखना। नहीं, कल आपको बताया तो था कि कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर आपका रे इज कमिंग फ्रॉम रेयर टू द डेंसर और फ्रॉम डेंसर टू द रेयर, अकॉर्डिंगली इट विल मैनेज इटसेल्फ, राइट। तो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम कहेंगे बेटा कि जब भी आपका रे ऑफ लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, इसके पाथ में बेटे चेंज आ जाता है, बदल जाता है इसका पाथ। दूसरी बात हम कह देते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट को हम बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू कहते हैं। और तीसरी बात, आपका इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल एंड आपका रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, दे लाई इन वन प्लेन, प्लेन मिरर नहीं बेटे, प्लेन, इन वन प्लेन। सो आइए बेटे इन लॉज को वन बाय वन देखें, कोई दूरी आई नहीं वापिस ना, इतनी सी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड बेटा रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये आपका पहला लॉ है।
राइट बेटा से गुड़िया आप आगे आ जाओ, ये सीट खाली है। कोई बात नहीं, आप आगे आ जाओ बेटे, और पेन दे देंगे, यहाँ किसी के पास होगा बेटे। कम सेकंड लॉ बेटे हमें कह देता है कि हमारा जो रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटे, एनी बॉडी हैविंग पेन इधर आ जाओ बेटे, इस पास इधर दिखेगा नहीं आपको गुड़िया, इस तरफ आइए। यस गुड, वी विल से दैट बेटा रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ सॉरी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट एंड इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बेटा। सो बेटा इस चीज को मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा फिर से, हम क्या कहेंगे सेकेंड लॉ को इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटा, वी विल से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका पानी में रे जा रहा है ना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बेटे जो होगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और बच्चों मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना बेटा। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने उन्होंने कहा कि ये रेशियो एक कॉन्स्टेंट के बराबर है, जो उन्होंने कहा है दैट इज साइन ऑफ एंगल आई साइन ऑफ एंगल आर दिस इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट का नाम आपने क्या रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल या मीडियम दैट इज योर वाटर। ये आपका बेटा सेकंड लॉ बेटे। ठीक हो गई बात, समझ आ गई। आपने सिंपली इस एंगल के साथ साइन लगा देना है, और सिंपली आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसके साथ भी साइन लगा दीजिए। ये जो रेशियो आ जाएगा इट विल बी कॉन्स्टेंट फॉर वन पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है जी, और उस कॉन्स्टेंट को आप ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कह ही चुके हो। अब और थोड़ा सा अगर बात करें, ये जो आपने ये सारे का सारा ये राइट साइड पे मैथमेटिकल सा काम किया है इसको बेटे आप स्नेल्स लॉ भी कह देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ बेटा। हाँ जी बेटे, एक मिनट एक मिनट बेटे, रुकिएगा रुकिएगा एक मिनट। आपका जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रेशियो आपका म्यू के बराबर आ गया बच्चों। इस चीज को आपने बोला जी स्नेल्स लॉ, राइट बेटे। तो ये आपका स्नेल लॉ है, आप इस तरीके से इसके साथ डील कर सकते हो, आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपके सामने है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात। हाँ जी पुत्र, मैंने इसलिए नहीं कहा बिकॉज मैं ये जनरल में लिख रहा हूँ, अगर आप पानी के लिखोगे तो आप पानी लिख लो, ग्लास के लिए लिखोगे तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। चलें जी आगे बेटा। इसके बाद बेटे थोड़ा सा मैं बात करूंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ रिलेटेड बेटा, एक छोटा सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। 2 मिनट लगा लेते हैं फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं बेटा। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, वी विल से दैट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, राइट। आओ बच्चों आगे चलें, इसके बाद मेरे पास कंसेप्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
आपको इसकी बार बार जरूरत भी पड़ेगी और आपको इसके बेसिस पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो आइए बच्चों देखें, जरा ध्यान से समझने वाली चीज है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कर रहे हो भाई? प्लीज पहले काम कर लीजिए फिर बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंगली बेटा इमेजिन करिए आपके पास एक बेटी शार्प बाउंड्री है, ये आपके दो मीडिया को सेपरेट कर रही है, ये एक्स है ये वाई है, ये आपका बाउंड्री का नाम रख दिया हमने बेटा। एंड इमेजिन कर लीजिए ये आपका एयर है और बच्चों ये आपका वाटर है, और बेटे और इस चीज को कन्फाइन करने के लिए आप कह सकते हो आपका ये मीडियम नंबर वन कोई भी हो सकता है, ये मीडियम नंबर टू कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम एयर वाटर ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा लास्ट स्टूडेंट बेटा, आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, और बच्चों अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा ये आपका रे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया और ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस रे के पाथ में जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, राइट, इस रे के पाथ में इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने एक प्लेन मिरर बच्चों प्लेस किया, ये ऐसे कर दिया, आपको परपेंडिकुलर लग रहा है? ये लगना भी चाहिए ना। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाने की कोशिश करूँ तो नॉर्मल ऐसे ही बनेगा, ये है ना, इस लाइन के लॉन्ग ही बन जाएगा। नैना बेटे इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? अरे नहीं, जीरो। नॉर्मल के लॉन्ग आ गया ना रे। आपने फिर से बेटे ध्यान दीजिएगा, ये वाला मिरर नॉर्मल टू दिस रे रख दिया, जो रे आपका जा रहा है रिफ्रैक्टेड मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम। नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो इस लाइन के रे के अलोंग ही आ जाएगा। अब रे भी उधर ही है, नॉर्मल भी उधर ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑब्वियसली जीरो पुत्र, और अगर बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वो भी ऐसे ही हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कह रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन नहीं, रे आपका एज सच वापिस आ जाना चाहिए और आ जाता है, राइट। अब जो रे वापिस आ रहा है हम उस रे को पकड़े हुए हैं, आने वाला आ गया वो हो गया वो खत्म हो गई बात, अब ये रे पे फोकस करिए जो वापिस जा रहा है। यस बेटा, इस पॉइंट पे जब ये रे वापिस आ रहा पहुंचेगा तो क्या होगा इसको? कुछ होगा कि नहीं? रे वापिस आ रहा है, यहां पहुंच गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पहुंच गया, अब उसका फ्यूचर कैसा होगा? हाँ जी, वाइट इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा? ओके ओके, नाइस 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 नाइस, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, जो रे वापस आ रहा है अब पानी में से एयर में, ये डेंसर टू रेयर आ रहा है ना बेटा, और हमने कल बात की थी कि जब डेंसर टू रेयर आएगा इट विल बेंड। हाय हाय क्या बात करते हो, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उल्टा बोल रहे हो आप, इसका मतलब है आपने प्रैक्टिस नहीं की, देख लो पकड़े गए आप हैं। आपका रे ऑफ लाइट
डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर किया एंड वी एक्सपेक्ट इट टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और बच्चों देखो ये अगर यहाँ पे मीडियम सेम रहता इसने ऐसे चले जाना था, अब अवे तो बेंड कर रहा है, लेट इट गो लाइक दिस, अवे ही जा रहा है। तो दोनों रेज को अपने माइंड में फिक्स करिए, एक बार जो आ रहा है और जो जा रहा है। अब करें इनको डिस्कस वन बाई वन। जो आ रहा है इंसिडेंट रे एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ आप इंसिडेंट रे, रोल नंबर टू कौन है पुत्र? वेयर इज ही? आदित्य शर्मा इज देयर और नॉट? आई एम अनएबल टू सी आदित्य शर्मा ऑन द स्क्रीन। 27 कौन है? उठ जाइए पुत्र। इंसिडेंट रे के लिए ओ पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगवाइए। क्या लिखूं मैं? ये रे आ रहा है, आने वाले रे के लिए ओ पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगवाइए। एक मिनट रुकिए, आपको मौका मिलेगा। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू ऑफ, ऊपर लिखूं के नीचे? एयर नीचे, वाटर ऊपर, वाटर नीचे, एयर ऊपर, या कोई भी नहीं? ओके, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड बेटे, बिल्कुल ठीक बताया आपने। एक बार सारे बच्चे फिर से देखिएगा बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू व्हिच द रे इज मूविंग एंटरिंग विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम फ्रॉम व्हिच इट इज कमिंग, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही स्नेल्स लॉ है, पक्की बात है? आपने एयर को कौन सा मीडियम बोल रखा है? वन नंबर बोला है। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो आपको कैसे लगेगा? चलिए बढ़िया ही लिखना चाहिए। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर वन। ऐसे नहीं भी, ऐसे नहीं, विद इन द लिमिट्स। आपका इंसिडेंट रे का हो गया मैथमेटिकली सारा काम। रोल नंबर 37 कौन है पुत्र? नेम रवनीत कौर। रोल नंबर 37, आई कैन सी यू इन द स्क्रीन। 37 रोल नंबर रवनीत कौर, गेटिंग मी और नॉट पुत्र? गति सर बोलते हैं, बोली जाए। अच्छा आज ही ऑनलाइन है, चलो कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। जो रे वापस जा रहा है बेटा, जब ये ओ पॉइंट पे पहुंचेगा, हाउ वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ ओवर हियर एट पॉइंट ओ फॉर द रिफ्लेक्टेड रे। मैं रिफ्लेक्टेड जानबूझ के लिख रहा हूं जो वापस आ रही है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी रे की बात कर रहे हैं। आप स्किप कर सकते हो, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। बोलो पुत्र। अब रे वापिस आ रहा है, पहले आ गया था उसका हमने डील कर लिया, अब वापिस जा रहा है। हाँ, न्यू किसका, किसके विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रेक्टिव? वाटर नीचे लिखूं कि ऊपर लिखूं? वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग बड़े अच्छे से काम कर लेते हैं, इट इंडिकेट्स, बट कहीं कहीं गड़बड़ भी करते हैं, है ना? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं क्या लिखूंगा पुत्र? एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना बेटा? दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के लिए कौन सा है? आप जो रे वापिस जा रहा है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? आर, जरा जान से बोलो पुत्र। एंड जो, हाँ जी ठीक है, अब ठीक है। जो रे वापस जा रहा है उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर ये आ गया। आई कैन राइट इट, सो इट विल बी इक्वल टू आई बेटा। लेट, अच्छा एक बात और कर लें पहले। इसको हमने टू नंबर मीडियम बोला था, इसको वन बोला था, तो ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए है। दिस इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई, लेट मी कॉल एस टू एंड दिस एस। समझ जाती हो फटाफट?
इनको मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, कर देना चाहिए। यस, आपने कह दिया, हमने कर दिया मल्टीप्लाई, अब देखते हैं क्या होता है ना, जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसे मल्टीप्लाइंग वन एंड टू आप लिखवाओगे पुत्र, कैसे मल्टीप्लाई करूं मैं, बोलिए। हाँ, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से कर लो, राइट को राइट से, इसमें क्या बोलना, बैठ जाओ। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन एंड वन विद रिस्पेक्ट टू टू, इट इज बिटवीन साइन आई साइन आर एंड साइन आर एंड साइन आई। कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं, फिजिक्स बहुत आई से आई आर से आर, गेटिंग कैंसिल, नो गड़बड़ करती ना आपने फिर। दिस इज इक्वल टू वन, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इंटू वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू वन, राइट। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। मतलब क्या है, अगर आपको एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया गया है, आप उल्टा करके दूसरे मीडियम का निकाल सकते हो। एक बार मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी देके समझा देता हूं। पानी, वाटर है ना, यस। पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 हमें पता है, नहीं पता तो याद रख लेना है। अगर आपको कहें कि आप एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल दीजिए, वी विल मेक यूज ऑफ दिस, राइट। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1/water विद रिस्पेक्ट टू एयर, उल्टा करना पड़ेगा आपको, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर 4/3, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर 3/4। बताइए कोई दिक्कत वाली बात है तो, सीधी सीधी बातें हैं सारी, फिजिक्स बहुत आसान है, राइट। आई थिंक यहाँ रुक जाए आज, है ना, थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करने पेन नहीं बंद करिए बच्चों। आइए फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करें। एग्जाम्पल नंबर 10.1 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल कर रहा हूँ ताकि आप एक बार घर पे जाके देख भी लो, सारे स्टूडेंट्स आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा सारे बच्चे, आपका काफी काम हो गया है रिफ्लेक्शन वाले न्यूमेरिकल मिरर के, आप ये मैं करवा रहा हूँ, एक तो करवाऊंगा आज, आपने वीकेंड पे बैठ के थोड़ा टाइम लगाकर उनको कोशिश करनी है करने की। अदरवाइज मैं भी करवाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं करवाऊंगा, बट अगर आप पहले ट्राई करोगे तो देट विल बी मच बेटर, राइट। आइए बेटे देखें सोचें समझें इसके बारे में थोड़ा सा न्यूमेरिकल। मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एंड देन आई विल बी सॉल्विंग। आपको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा टेक्निक भी बताना है मैंने, कि स्पेशली मिरर के साथ रिलेटेड या लेंस के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम हमें क्या ध्यान में रखना होगा। ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर द रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल, इसको हम रियर व्यू के लिए यूज करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको जो मिरर गिवन है, दिस इज विथ ए कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर है आपको जो दिया गया है, इसको आप नोट करेंगे कौन सा मिरर है। रिपीट करूंगा फिर से बेटा मैं, ए कन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 meter। इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 3 meter आपको दिया गया है, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 meter है
फोकल लेंथ गुड़िया कितनी होगी? 1.5। बिल्कुल ठीक, इसको आप हाफ कर दोगे ना बेटा, रेडियस का हाफ ही होता है फोकल लेंथ। सो लेट इट बी 3/2, जैसे आपने 1.5 कहा, यू कैन राइट। क्लियर टू ऑल उत्तर? देन इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, आप स्कूटर एक्टिवा मोटरसाइकिल कार चला रहे हो, साइड पे मिरर में आपने बस देखी पीछे आ रही है, मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया बच्चों कितना? -5 मीटर। -5 क्यों लगाया मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, आपको इमेज की पोजीशन नेचर एंड साइज बतानी है क्या होगी। बेटे जरा समझ लो पहले सारे बच्चे, आपको एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लोगे तो कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं, राइट? आपका कन्वेक्स मिरर पहले मैंने आपके लिए बनाया है, वैसे जरूरत नहीं होती बनाने की। आपका कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसे लगेगा और आपके ये बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, ये पोल भी हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपको 3 मीटर दिया गया है, ये आपने 1.5 निकाल दिया, राइट? और आप देखो जब यहाँ पे बस को देख रहे हो, ये बस मैं चलो बना देता हूँ अंदाजे से, ये बस इधर जा रही है और बस 5 मीटर के डिस्टेंस पे हो है, मिरर आपको मैंने बहुत बड़ा करके दिखा दिया है, ये आपकी स्कूटर एक्टिवा मोटरसाइकिल कार का मिरर है, आप भी इधर ही जा रहे हो, मिरर भी साथ ही जा रहा है ना, वो वहीं थोड़ी रह जाएगा। ठीक, पोल से आप अगर बस का डिस्टेंस मेजर करोगे, बस से लाइट इधर आ रही है, आप पोल से अगर मिलना शुरू करोगे तो इधर जाओगे, साइन कौन सा लगाएं? लग गया, राइट? अब दूसरी बात, यहां से जब आप इसकी फोकल लेंथ मेजर करोगे पोल से अपने मिरर की, आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, लाइट किधर जा रही है? सेम हो गई, दैट इज व्हाई नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट? अब बच्चों इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, मिरर फार्मूला लिखेंगे पहले, मैं डायग्राम रब कर रहा हूं, यहां पे मुझे अब थोड़ा सा काम करना होगा, आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, लिखिए मत अभी, आपकी बुक पे सब कुछ है, मैं टाइम भी दे दूंगा, कोई बात नहीं, एक बार समझ लो उत्तर। मिरर फार्मूला हमारा था बेटे 1/v + 1/u इज 1/f। कभी भी याद रखिएगा, गलती से भी सीधी यही वैल्यू पुट नहीं कर रही, जो चीज आपको निकालनी है जब तक आप उसको लेफ्ट हैंड पे अकेले सॉल्व करके नहीं ले आते, वैल्यू पुट मत करिए, रीजन अभी बताऊंगा क्यों। ये बेटे क्या, तो आप देखो एक दूसरे के मार ही लो, फिर मैं बंद कर देता हूं ये काम। बेटे आपका भी वैसे देखो, आप यहीं पे रोज होते हो, आप ऐसे करते हो, मान लो बात मेरी, आप वो मुझे गलती लग गई होगी देखने में फिर, है ना? अच्छा ये इधर है, मुझे 1 मिनट, 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा, फ्यू सेकंड्स, 30, 35, 40 सेकंड वेस्ट हो गए, कितने बच्चे बैठे हैं उनको उससे मल्टीप्लाई कर लो, टाइम हो गया, आप उतना टाइम वापस दे सकते हैं क्लास को, अगर दे नहीं सकते तो लेते क्यों फिर आप, अच्छी बात नहीं है बेटा, 2 पीरियड होते हैं हफ्ते में, वो आप ऐसे खेलते खेलते कर दोगे पास तो फिर फायदा कुछ नहीं है, उससे बेटर है मैं बंद ही कर देता हूं, आप अपना जो करना है जो कर लो। अवॉइड इट बेटा, आप लोगों ने अभी बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, तो ट्राई टू कंसेंट्रेट ऑन द कंसेप्ट्स, जो कंसेप्ट्स आपके क्लास में एक बार मन में बैठ जाने हैं ना, वो अदरवाइज बन ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लीजिए आप, आपको वी चाहिए था, इसको उस तरफ ले जाइए, 1/v 1/f + 1, सॉरी माइनस हो गया 1/u,
अभी भी वैल्यू पुट नहीं करनी, इसको आप एफ इंटू यू यू माइनस एफ कर लोगे, अभी भी वैल्यू पुट नहीं करते। आप इसको बी को निकालो, इट विल बी योर एफ इंटू यू अपॉन यू माइनस एफ। अब वैल्यू पुट कर दी, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? उल्टा कर दिया ना इसको, ऐसे इसको कर दिया, क्योंकि मुझे वी चाहिए। एंड वी विल बी इक्वल टू एफ कितना था? 1.5। यू कितना था? -5। यू कितना है? माइनस, राइट बेटा, ये बन गया -1.5 × 5। ये कुछ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एफ आपका 1.5, यू आपका कितना था? -5। यू आपका कितना है? तो ये -6.5 हो गया, ये कट गया। 5 1s are 5, 5 3s are 15, बी बन गया 1.5 upon 1.3। इसको सॉल्व, नहीं नहीं सॉल्व करना है, आप खुद करोगे। ये बी निकल गया, फिर आप इसको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एम माइनस वी बाई यू होता है, इसमें अलोंग विद द साइन पुट कर दो, आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 1 आए, इमेज छोटा बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 आए, इट विल बी एनलार्ज। अगर इक्वल टू 1 आए, इट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कट जाएगा ना वो। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे डियर चिल्ड्रन, थैंक यू ऑल।